नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म पृथ्वीराज देखी। फिल्म को ट्रैक थ्री करने की भी जल्द घोषणा हो सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इंटर के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि छात्रों ने एग्जाम और प्रैक्टिकल की डेट को लेकर हंगामा किया। इसके अलावा छात्रों ने चॉइस के आधार पर प्रैक्टिकल की डेट तय करने की मांग की है। एएमयू छात्रों ने अपनी मांग को लेकर कुलपति आवास का घेराव भी किया और इस दौरान छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं छात्रों के हंगामे को देखते हुए विश्वविद्यालय इंतजामिया ने छात्रों की मांग मान ली। इकट्ठे हुए थे अपने हॉस्टल में, फिर बच्चों ने प्रैक्टिकल किए भी नहीं थे स्कूल में, टीचर्स वगैरह, क्योंकि टाइम बहुत कम था, एक महीने का टाइम था, पांच पांच प्रैक्टिकल ले रहे हैं तो बच्चे कहाँ से देंगे। फिर हम सब लोग जमा हुए, इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया क्योंकि नीट का एंट्रेंस है बच्चों का, सब लोग उसमें बिजी हैं तो और एग्जाम भी रिटर्न में दिए हैं, इस वजह से हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया था। क्या आपको इसकी सूचना जी करा था, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के बिजरौल गांव में चार दिन पहले एक परिवार को जान से मारने की नीयत से और इलेक्ट्रॉनिक बम से उड़ाने की साजिश रचने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि पुलिस ने उसके पास से बम बनाने का सभी सामान भी बरामद कर लिया। साथ ही पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यूट्यूब की मदद से उसने बम बनाने का परीक्षण लिया। 27 तारीख की सुबह बड़ौद थाना क्षेत्र के बिजरौल ग्राम में नरेंद्र के घर के सामने गेट पर एक विस्फोट हुआ था, जिसमें उनका लड़का जिसका नाम गौतम था वो घायल हो गया था। उसका तत्काल उपचार कराया गया, उसकी स्थिति ठीक है। उसकी मां की तहरीर के आधार पर बड़ौद थाने पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया था, गहनता से साक्ष्य संकलन किया गया। आज इस केस का बड़ौद पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम रणवीर है उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। रणवीर ने पूछताछ में ये बताया कि उसका नरेंद्र के घर से लगभग 16-17 साल से संबंध रहे हैं, आपसी लेनदेन भी रहा है। पिछले कुछ समय पहले उसका नरेंद्र और नरेंद्र की वाइफ से मनमुटाव हो गया था और अपने मन में वो रंजिश पालने लगा था। इसी कारण उसने YouTube पे कुछ वीडियो देख के तथा मार्केट में उपलब्ध सामग्री से एक बम तैयार किया था, जिसको रात में नरेंद्र के गेट के सामने लगा दिया था। उसका उद्देश्य यह था कि कोई भी गेट जो खुलेगा परिवार का सदस्य वो इस बम से घायल हो जाए। सुबह नरेंद्र के लड़के गौतम ने गेट खोला और वो घायल हो गया था। बागपत के खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रटौल गांव के पास डिवाइडर टकराने से गैस कैंटर में भीषण आग लग गई, तो वहीं अचानक लगी आग से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें कि इस पूरी घटना का वीडियो पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। गनीमत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोंडा के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के चुंगी नाका चौराहे के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, तो वहीं परिजनों ने अंशु मिश्रा नामक के एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। अलीगढ़ के श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय कैंपस में मुस्लिम प्रोफेसर के द्वारा नमाज पढ़ने का एक वीडियो सामने आया। वीडियो मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुस्लिम प्रोफेसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र थाना गांधी पार्क पुलिस को दिया। अन्य हिंदुवादी संगठन द्वारा थाना कुआरसी में भी प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। छात्रों हिंदुवादियों का कहना है कि अगर प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो कॉलेज प्रांगण में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने कैंपस के अंदर नमाज पढ़ने की गतिविधि को अनुचित ठहराते हुए संबंधित प्रोफेसर एक महीने की छुट्टी पर देखते हुए एक जांच कमेटी गठित कर रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की बात कही है। पुलिस भी जांच रिपोर्ट के आधार पर एक एफआईआर की बात कह रही है। ये काफी लंबे अरसे से श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय अलीगढ़ के अंदर एक विधि विभाग के प्रोफेसर एसआर खालिद के द्वारा कॉलेज के ग्राउंड में नमाज पढ़कर धार्मिक वेशभूषा पहनकर कॉलेज के ग्राउंड में नमाज पढ़कर खुलेआम छात्रों को बीच में धार्मिक अलगाववाद को पैदा करने का काम किया जा रहा था। कई दिन पूर्व छात्रों ने शिकायत संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल छात्रों ने एक वीडियो के माध्यम से कॉलेज के प्रशासन को की, तो कॉलेज के प्रशासन ने संज्ञान में लिया। हम लोगों पर सूचना आई, हम लोगों ने कॉलेज प्रशासन पर कार्रवाई करने के हेतु कहा। देखिए, निश्चित रूप से उक्त प्रोफेसर को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि कोई भी कॉलेज कैंपस शिक्षा का मंदिर है, एक संभाव के उद्देश्य से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यदि कोई प्रोफेसर जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कैंपस के अंदर खुलेआम नमाज पढ़ेगा तो निश्चित रूप से माहौल बिगड़ने की प्रबल संभावना है। हमने पुलिस के अधिकारियों को अवगत कराया, एक प्रार्थना पत्र तहरीर के रूप में संबंधित थाना गांधी पार्क को दिया। ये तहरीर हम भाषण कॉलेज में कॉलेज कैंपस के अंदर एक प्रोफेसर एसआर खालिद जी के द्वारा नमाज पढ़कर कॉलेज कैंपस के ग्राउंड में नमाज पढ़कर धार्मिक उम्माद फैलाने का बढ़ावा करने के लिए उन्होंने वो नमाज उस
जगह पर पड़ी और आए दिन लगातार वो इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं, जिसका संज्ञान लेकर कल वीडियो हमारे पास आई तो उसको लेकर हम लोगों ने आज एसओ को एक तहरीर के माध्यम से अवगत कराया कि ये प्रोफेसर कॉलेज कैंपस का एवं अलीगढ़ शहर का पूरे का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं कि आए दिन इस तरह की नमाज कॉलेज कैंपस के अंदर पढ़ना, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि कॉलेज कैंपस के अंदर हिंदू छात्राएँ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बाध्य हों, जिससे कि कॉलेज कैंपस के साथ साथ ही पूरे शहर का भी माहौल ख़राब होगा, उसके लिए हम लोगों ने आज तहरीर दी है। हाँ, ये वाक्या हमारे जब संज्ञान में आया तो उस समय मैं आउट ऑफ स्टेशन था। मैं 28 तारीख को जब लौटा तो मैंने इस संदर्भ में अपने महाविद्यालय में बातचीत की तो पता चला कि एक हमारे विधि विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर एस आर खालिद साहब ने वहाँ पर महाविद्यालय के एक पार्क के कोने में बैठ के नमाज पढ़ी। मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे समय हो रहा था कॉलेज के और मुझे थोड़ा सा कमर में दर्द था तो मैंने यहाँ मैं बैठ गया, मेरा मतलब किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना था। मगर वो तो अलग बात हो गई उन्होंने क्या कहा। हमने इस संदर्भ में पूरी एक जांच समिति का गठन कर दिया है और जांच समिति की जो रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार से कार्य किया जाएगा और मेरे स्तर से उनको एक छुट्टी पर भेज दिया गया है, अवकाश पर भेज दिया गया है। जांच जो कमेटी गठित की थी वो कितने दिन हो गए और कितने दिन के लिए गठित की होगी? जांच समिति की जो हमने गठन किया था ये था कि उसे 3 दिन की में अपनी रिपोर्ट देगी। अमेठी में चारागाह की जमीन खाली कराने पहुंचे तहसीलदार संगीता पांडे के साथ राजस्व टीम तहसीलदार लेखपाल के सामने कब्जेदारों के चप्पर में भीषण आग लग गई। लगभग आधे दर्जन के ऊपर ग्रामीणों के घर और गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगते ही तहसीलदार टीम के साथ फरार हो गए। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पति पर छप्पर के घर में आग लगाने का आरोप लगाया। मामला जनपद अमेठी के कमरौली थाना क्षेत्र के पूरे ठाकुराइन बारसांडा गाँव का मामला। औरैया में थाने के अंदर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। थाने के अंदर महिलाओं को चप्पलों से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। एक दो महिलाओं पर नहीं बल्कि कई महिलाओं पर दबंग युवक ने चप्पलें बरसाई हैं। दबंग से परेशान होकर शिकायत करने पहुंची महिला दिव्यापुर थाने के अंदर का पूरा मामला। एटा का अलीगंज स्थित अगौनापुर गांव में बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति का प्रकरण शांत होने का नाम नहीं ले रहा। 3 दिन बीतने के बाद भी भीमारवी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नौटियाल अगौनापुर गांव पहुंचे। भीमारवी नेता के गांव पहुंचने के बाद प्रशासन चौकन्ना हो गया। कारण सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर जो अम्बेडकर पार्क है वो काफी वर्ष पुराना अम्बेडकर पार्क है और जो पट्टा है उसको बहुत सारे लोग जो है ना खरीदते रहते हैं बेचते रहते हैं, परंतु आज तक किसी ने अम्बेडकर पार्क को जो है ना हटाने की कोशिश नहीं करी। उनको पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो संविधान निर्माता है, लेकिन अभी जो है बीजेपी के कोई व्यक्ति है सत्ताधारी व्यक्ति है तो उन्होंने प्रशासन को पूरे दबाव में लेकर इस गाँव में हमारे लोगों पर इतनी लाठियां भिजवाई और लाठियां चलवाई, हमारी महिलाओं को यहां से घर से निकाल निकाल कर पीटा गया और उल्टा हमारे लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर पार्क तोड़ने का विरोध अगर किया तो उल्टा हमारे लोगों को पीटा गया और जो है ना उन पर 307 वगैरह के मुकदमे लगाकर 8 लोगों को जेल भेज दिया गया। तो हम यहां के शासन और प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि क्या यही न्यायपालिका है, क्या यही न्याय है सरकार का और क्या सरकार की यही व्यवस्था है। हम ये कहना चाहते हैं यहाँ के शासन और प्रशासन से कि अगर हमारे दलित समाज को मारा जाएगा, अगर गाजर मूली की तरह उनको काटा जाएगा तो ये हम किसी भी सूरत से बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनकी सुरक्षा करने के लिए उनका बेटा आ गया है। यहाँ के कप्तान से मेरा निवेदन है कि अगर ये मुकदमे जल्दी वापस नहीं हुए और हमारी महिला पर जिन लोगों ने पुलिस ने लाठियां चलाई अगर उनको सस्पेंड नहीं किया गया तो 48 घंटे बाद एटा को बंद करें। फरुखाबाद में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। दुर्दांत आतंकी काफिस के बाहर फोटो लगाने का पूरा मामला है। बिजली विभाग के उपकरण कार्यालय में फोटो लगाया हुआ था। एसटीओ रविंद्र प्रकाश गौतम को निलंबित कर दिया गया है। खूंखार आतंकी की फोटो ऑफिस में लगी होने से लोग हैरत में पड़ गए थे। फोटो वायरल होने के बाद ऑफिस से आतंकी की फोटो हटा ली गई थी। बिजली विभाग के उपकरण कार्यालय नवाबगंज का पूरा मामला। यूपी के फतेहपुर जिले में एक पारिवारिक कार्यक्रम में आए हास्य कलाकार और फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने सर्किट हाउस में पंजाबी सिंगर कांग्रेस नेता की हत्या और सुपरस्टार सलमान खान को मिली जान से मारने की धमकी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पंजाबी सिंगर की हत्या दुखद है और सलमान खान को जान से मारने की धमकी की जाँच होनी चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की सरकार है। जिला मुख्यालय से सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर राजू श्रीवास्तव ने कहा कि दुखद और निंदनीय है।
ग्रेटर नोएडा के कोटेक एक थाना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया, दूसरे बदमाश सूरज को कॉम्बे के दौरान गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश सागर 80 लाख के मोबाइल डिस्प्ले चोरी मामले में वांछित चल रहा था, कई मुकदमों में भी वांछित था। बदमाशों के पास एक तमंचा कारतूस मोटरसाइकिल बरामद हुई है। हरदोई के डीएम अविनाश कुमार के निर्देश पर सदर एसडीएम आईएस दीक्षा जैन ने कछौना के गौसगंज रोड स्थित एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में यहां पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तमाम कमियां पाई गई, जिसके बाद एसडीएम ने अपनी मौजूदगी में अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज कर दिया। ये कछौना में हेल्थ सेंटर के नाम से था। माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में हमारे द्वारा यहाँ पे औचक निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा एमओएसआई हिरोली भी साथ में थी और एसएचओ कछौना भी रहे। और यहाँ पर निरीक्षण में पाया गया कि मौके पर ये जो हेल्थ सेंटर है यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की कार्रवाई जो की जा रही थी, यहाँ पर कोई भी डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं मिला। और मात्र एक व्यक्ति जो अपने आप को बता रहा था कि मैं इसी सैलरी पर काम करता हूँ, वो ही यहाँ पर काम कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने अभिलेखों का जो प्रथम दृष्टया परीक्षण किया गया, उसमें यह भी पाया गया कि इन्होंने जो गर्भवती महिलाओं की जांच की रिपोर्ट सीएमओ ऑफिस में भेजी है, जो इनको भेजनी होती है। कन्नौज में माँ पिता सहित भाइयों को दौरा पड़ने के मामले में नया मोड़ आया है। प्रेमी से मिलने के लिए पीड़ितों को बहन ने नींद की दवा खिला दी थी। खाने में मिलाकर ये दवा खिलाई गई थी। फेसबुक से लव के बाद देर रात इटावा से किशोरी के पति आए थे। पुलिस से जांच में प्रेम में पागल किशोरी की करतूत का खुलासा हुआ है। परिजनों के होश में आने के बाद पुलिस को तहरीर का इंतजार है। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का ही पूरा मामला। मुख्यमंत्री के आदेश पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, रॉन्ग साइड ड्राइव करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान किए गए और लाइसेंस को निरस्त किया गया। गाड़ियों के चालान वाहन स्वामी में हड़कंप मच गया है। शासन के निर्देश के अनुपालन के क्रम में 19 मई 2022 से लेकर के 18 जून 2022 तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन शासन के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में विभाग के द्वारा आज हेलमेट, सीट बेल्ट, रॉन्ग साइड ड्राइविंग की यहाँ चेकिंग की गई। इसमें 59 हेलमेट ना पहनने वालों का चालान किया गया और 4-5 लाइसेंस सस्पेंड किए गए। सर, अभियान कहाँ पर चलाया गया है? ये अभियान यहाँ तिरवा क्रॉसिंग में चलाया गया है, सरायलीला में चलाया गया है और जलालपुर पनवारा में चलाया गया है। जितने भी हमारे ब्लैक स्पॉट्स वाले हैं जगह हैं, उनको हम लोग चिन्हित करके चल रहे हैं। कानपुर में कलेक्टरगंज स्थित केसर पान मसाला के ऑफिस में आयकर का छापा हुआ। हरीश मतीजा केसर पान मसाला के मालिक हैं। दिल्ली आयकर टीम ने छापेमारी की कार्रवाई अभी जारी है। कानपुर समेत अन्य जिलों में भी छापेमारी हो रही है। बिल्डर्स और शराब माफिया समेत 3 की यहाँ छापेमारी की गई। कुशीनगर जिले की दराय सुजान थाना और स्वाट पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से एक तस्कर घायल हो गया, 3 गिरफ्तार हुए। पुलिस की गोली से घायल अपराधी सबरी आलम जौनपुर जिले के कुठन थाना क्षेत्र का निवासी है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार लखनऊ पहुंचे, जहां नई फिल्म पृथ्वीराज की स्क्रीनिंग के लिए वो पहुंचे हैं। सीएम ने अपनी कैबिनेट के साथ फिल्म पृथ्वीराज देखी है। सीएम योगी पूरी कैबिनेट के साथ आज पृथ्वीराज देखते हुए नजर आए। लोक भवन में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। मुरादाबाद के थाना मजौला के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र जयंतीपुर की रहने वाली मेहनाज को सीम द्वारा शादी का झांसा देकर कई माह तक शारीरिक संबंध बनाए जाने की वजह से वो गर्भवती हो गई और शादी से पहले गर्भपात कराया गया। जब इस बात की जानकारी क्षेत्रवासियों को मिली तो उन्होंने नसीम और उसकी मां नरगिस और अन्य लोगों की मौजूदगी में एक पंचायत के माध्यम से युवती और नसीम का निकाह करा दिया, लेकिन जिससे वो खुश नहीं है। लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, इस वजह से वो परेशान है और लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। उसने ये कहा कि है ना, हमारा निकाह ऐसे नहीं होने का, हमारी शादी ऐसे नहीं होने की, तो बच्चा पैदा कर सकते हैं, बच्चा पैदा कर दिया तो मेरा निकाह हो गया। निकाह पर होने के बाद में उन्होंने सब ने मोहम्मद अली ने इसकी बहनों ने सब ने मिल के मेरा निकाह करवाया। मोहम्मद अली था और इसका बहनोई था बबलू, नरगिस भी थी, उसकी माँ, उसकी बहन भी थी, मेरा बहनोई भी था सद्दाम, मेरे भैया भी थे। तो निकाह करवाया इन लोगों ने। निकाह करवाने के बाद में कहा 40 दिन के बाद चले होंगे। आज मेरे 40 दिन पूरे महीने हो गया, वो लोग मुझे लेके नहीं जा रहा है। अब क्या कहना है यार, मेरे भैया पर छोड़ क्या नाम है मुकदमा लगवा दिया। एक मेरे ऊपर झूठा आरोप लगवा, मेरे भैया पर झूठा आरोप लगवा रहे कि मेरा तलाक हो सके।
मुरादाबाद में शिवसेना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में इकट्ठा होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 35 की धारा 370 को जम्मू कश्मीर में समाप्त करने के उपरांत भी हिंदुओं की हत्याएं खुलेआम आतंकवादी द्वारा की जा रही है, आतंकी घटनाएं लगातार कश्मीर में बढ़ रही हैं। आज एक कश्मीर के अंदर जिस तरह से एक शिक्षिका की हत्या हुई, उसको लेकर के पूरे देश के अंदर आक्रोश है। शिवसेना ने आज इसी विषय को लेकर के माननीय महामहिम जी को, राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजा है कि जिस तरह कश्मीर में एक महीने के अंदर 7 हिंदुओं की हत्याएँ हुई और कश्मीरी पंडितों की हत्याएँ हो रही हैं, ये एक बड़ा धारा 370 हट गई, 35 के अनुरूप हटी और उसके बाद कश्मीरी पंडितों की हत्याएँ, एक महीने के अंदर 7 हिंदुओं की हत्याएँ, ये सब होने के लिए शिवसेना आज बहुत अग्रसित होकर के इसमें ज्ञापन दिया है कि इन कश्मीरी पंडितों की हत्याएँ रोकी जाएँ, उनका पलायन रोका जाए और कश्मीरी पंडितों की और आम हिंदुओं की जो मांग है कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ आतंकवादियों के घेरे में हैं, उनसे उनको हटा करके उनको अलग ऐसे सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। प्रयागराज में बदमाश ने सरेरा सड़क पर देसी बम फेंक दिया। बम की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने बम फेंका है। 22 बार बदमाशों के करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। समर में गंगा घाट पर हुई प्रसाद विक्रेता की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया और हत्या आरोपी साधु को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए हैं। गंगाघाट हत्या के सनसनीखेज वारदात उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के थाना राजपुरा क्षेत्र के टी पॉइंट के पास स्थित गंगाघाट की है। रमेश गौतम नामक व्यक्ति की जो अनूप शहर का पुल है गंगा जी के किनारे पर, वहां पर हत्या की गई थी। ये जो रमेश गौतम मृतक है, ये वहां पर प्रसाद बेचने का कार्य करता था। इसमें FIR पंजीकृत करते हुए 24 घंटे के अंदर ये आरोपी, जिनका नाम रुद्राक्ष गिरी उर्फ जितेंद्र पुत्र सुखपाल सिंह, निवासी ग्राम सदरपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलंदशहर है, इनको गिरफ्तार किया गया है। मौके पर जांच में पता चला कि मृतक को अपने कुछ लोगों दोस्तों के साथ बैठकर वहां पर शराब का सेवन कर रहा था, जिसके बाद ये जो महात्मा है इनके द्वारा उसको मना किया गया। मना करने पर उसके द्वारा गाली दी गई और उसके ही आवेश में आकर इन्होंने अपनी तलवार से उसको भोंक दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। इसमें इनके जो पुराने आपराधिक इतिहास है, इसका भी पता कराया जा रहा है। अभी इनके विरुद्ध 190/22 धारा 302 के अंतर्गत FIR पंजीकृत करके इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 रेलवे फाटक निवासी युवक का शव रॉबर्ट्सगंज नगर के बीचों बीच होकर गुजरने वाले फ्लाईओवर के ठीक ऊपर मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि युवक बीती रात सोनभद्र के चतरा क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने की बात कहकर घर से निकला था। सुल्तानपुर में रिश्वत लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां सदर तहसील का एक लेखपाल घरौनी बनाने के नाम पर 10,000 रुपए घूस लेता हुआ कैमरे में कैद हो गया। अधिकारियों ने अभी तक आरोपी लेखपाल पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि लेखपाल के इस कारनामे के सामने आने के बाद से विभाग में हड़कंप जरूर मचा है। पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे ने बताया कि बद्रीनाथ दर्शनों के लिए पहुंचे एक श्रद्धालु ने 15 मई को उनके साथ हेलीकॉप्टर बुकिंग को लेकर हुई ठगी का मामला बद्रीनाथ थाने में दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित की और ठग को खोजने के लिए सर्विलांस और सभी माध्यम से सफलता पाई है। जानकारी के अनुसार 15 मई को उत्तर प्रदेश से बद्रीनाथ दर्शन को आए अम्बरीश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद ने कोतवाली बद्रीनाथ में हिमालयन हेली सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से केदारनाथ की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर 24,000 से ज्यादा रुपए की ठगी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। 15 मई को उत्तर प्रदेश से आए एक श्रद्धालु द्वारा बद्रीनाथ थाने में एक तहरीर दी गई कि उनके द्वारा हिमालयन हेली सर्विस नाम की एक साइट से केदारनाथ यात्रा के लिए बुकिंग करवाई गई थी, पर उसके बाद जो एजेंट है वो उनका लगातार जो है फ़ोन उठा नहीं रहा है और उनकी टिकट भी जो है दी नहीं गई है, जबकि उनसे 24,000 से ज़्यादा का अमाउंट ट्रांसफ़र उनके द्वारा उसके अकाउंट में किया जा चुका है। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, हमारे द्वारा टीम बनाई गई और यह पता चला कि अभियुक्त की जो लोकेशन है वो नवादा बिहार आ रही है। चमोली जिले के थराली विकासखंड की रहने वाली वंदा गुसाई, जो वर्तमान में श्रीनगर गढ़वाल में बीएड की छात्रा होने के साथ साथ समाज सेवा का कार्य कर रही हैं, वंदा ने बताया कि उन्होंने अपने कॉलेज और आसपास के छात्र छात्राओं को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जागरूक कर तंबाकू और नशे से दूर रहने का आग्रह करते हुए उन्हें शपथ दिलाई। चले उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करें। मैं कुमारी वंदना गुसाई, राष्ट्रीय समाज सेविका, ब्लॉक थराली से। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के सप्ताह दिवस के अवसर पर मेरे द्वारा शिक्षा विभाग श्रीनगर में युवा युवतियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें
जिस शपथ में यह था कि हमारे युवा इस नशे की धुंध में अपना भविष्य जिस गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं उनको एक सही राह दिखाना, और हमने यह प्रयास हम सब ने यह कहा कि हम अपने स्तर से अपने समाज को बदलने में अपनी पूर्ण भूमिका देंगे। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने समाज में हो रहे कुप्रथाओं को अवधारणाओं को बदल सकते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो ऐसे जाम से दो चार होना स्वाभाविक है। यहाँ बता दें कि मलिताल के कोतवाली DIG कार्यालय के सामने ही इतना जाम लगा हुआ है, राहगीरों को चलने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली के पर्यटन नगरी ग्वालदम में आयोजित पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन के दो दिवसीय सम्मेलन का गुरुवार को नई कार्यकारिणी के गठन के साथ समापन हो गया। नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को संगठन के संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार ललिता प्रसाद लखेड़ा ने मुख्य अतिथि पूर्व काबीना मंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री और बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडार की उपस्थिति में शपथ दिलाई गई। उत्तरकाशी में मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें एक की मौत हो गई है, तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं। गांव के पास एक मैक्स वाहन दुर्घटना में मौके पर एक की मौत और तीन घायल हैं, जिनके बाद 108 सेवा और SDRF और पुलिस मौके पर मौजूद रही और ग्रामीणों की मदद से सभी को रेस्क्यू किया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।